अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रदेश से भी मुस्लिम समुदाय के लोग विशेष रूप से 16 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हिमाचल प्रभारी दीपक जोशी व संयोजक केडी हिमाचली व शिमला के संयोजक बिलाल अहमद शाह ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश भर के मुस्लिम समुदाय के लोग प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाने के हक में है और हिमाचल से भी मुस्लिम कार सेवकों का जत्था अयोध्या जाएगा। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के उत्तर भारत के संगठन मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि देश का मुस्लिम राम मंदिर बनाने के हक में है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि राम मंदिर बने और आपसी सौहार्द बना रहे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए कार सेवा के लिए हजारों मुस्लिम अयोध्या जा रहे हैं और हिमाचल से भी इसमें लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच राम मंदिर बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय से समर्थन मांग रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सर्वोच्च न्यायालय से जल्द ही राम मंदिर को लेकर फैसला आएगा। दीपक जोशी ने कहा कि आरएसएस देश के मुस्लिम को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है और मोदी सरकार में खासकर मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान भी दिया जा रहा है। मुस्लिम लोगों के द्वारा हम राम मंदिर को बनाने के लिए चाहते हैं कि राम मंदिर बने, इसमें मुस्लिम समाज का भी कंट्रीब्यूट हो, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे। मैं दीपक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का हिमाचल का प्रभारी हूँ। हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का राष्ट्रीय सह संयोजक के नाते मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। संगठन की तरफ से मैं ये काम देखता हूँ। ऐसा था कि कई कंट्रोवर्शियल बयान चल रहे हैं, कभी मुसलमानों को ये कह दिया जाता है ये है वो है, पर हमारा देश का मुसलमान देशभक्त मुस्लिम है। देशभक्त मुस्लिम होने के बाद यहाँ के जो मुस्लिम हैं सारे लोग इस देश में पैदा हुए हैं और इस देश की ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। वो लोग हमेशा चाहते हैं कि वेटिकन सिटी में जैसे ईसाइयों का एक धर्म स्थल है, मक्का में मुस्लिम्स का धर्म स्थल है, तो राम मंदिर राम भगवान का जन्म स्थल है, इसके लिए वो लोग ये चाहते हैं कि राम मंदिर जहाँ था वहीं बने। इसके लिए 16 दिसंबर को दिल्ली से हजारों मुस्लिम कार सेवा के लिए राम जन्मभूमि पर जाएंगे। पूरे देश भर से ये लोग जाएंगे और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कोई बयानबाजी ना हो, बयानबाजी ना होते हुए राम मंदिर जहां तहां वहीं निर्माण किया जाए। वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हिमाचल के संयोजक केडी हिमाचली ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम लोगों को लेकर साथ में चलना है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से जो भी फैसला आएगा मुस्लिम समुदाय के लोग उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि श्री राम का जन्म जहां हुआ है वहीं राम मंदिर बनेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू हो या मुस्लिम, राम का मंदिर निर्माण करने में सब एकजुट होकर सहयोग करेंगे। इस दौरान शिमला जिला के संयोजक बिलाल अहमद शाह ने कहा कि किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर हर जिले से 5-5 लोग राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से लोगों को गुमराह करती आई है, जिसकी वजह से इस समुदाय का उत्थान नहीं हुआ, क्योंकि उनके नाम पर हमेशा राजनीति होती रही। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर श्री राम का मंदिर बने ये मुस्लिम समुदाय भी चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।